सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग जहाँ भी होंगे वहाँ अच्छे होंगे। तो आपके ही अपने YouTube चैनल आरके इंडिया में फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है फ्रेंड। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरमीडिएट में यानी कि इंटर में जो भी छात्र छात्राएँ 2021 में परीक्षा पास किए हैं उनका जो एक NSP कट ऑफ लिस्ट जारी किया गया है। यानी कि दोस्तों उस कट ऑफ लिस्ट में जो भी अलग अलग कैटेगरी का जो आपके कट ऑफ लिस्ट में भी दिया गया है, यानी कि कितना नंबर तक आपको स्कॉलरशिप मिल सकता है, कितना नंबर रहेगा तो आपको कितना स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा और कितना नंबर रहेगा तो आपको कितना स्कॉलरशिप का पैसा मिल सकता है। और साथ में दोस्तों स्टूडेंट का जो भी नाम भी दिया गया है इस लिस्ट में है दिया गया है तो इस लिस्ट में है तो किस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं आपका नाम है या नहीं है, अगर है तो आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिल जाएगा, तो फुल डिटेल्स वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे एंड तक। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर दें। इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाकर पूछ सकते हैं। चलिए बिना टाइम लिए करते हैं वीडियो का स्टार्ट। तो फ्रेंड डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दिया, उसे ही इस वाले साइट पर चले आएंगे। नहीं विद्यालय बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति साइट पर मारेंगे हम डायरेक्टली। डिस्क्रिप्शन हमने लिंक दे ही दिया है, आप यहाँ से चलेंगे, नहीं तो आप क्रोम ब्राउजर से जाकर यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जैसे सर्च करेंगे तो ऊपर करेंगे, स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने जो प्रेस रिलीज दिखाई दे रहा है 4/10/2021 को, जो कि ये NSP कट ऑफ लिस्ट जो स्टूडेंट ईयर 2021 में दिया गया था, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगा, इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको हम आप यहां से डाउनलोड पर क्लिक कर डाउनलोड, यानी 24 MB का है, थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। हम ऑलरेडी एक डाउनलोड कर रख लिए हैं, आपको वहां से दिखलाते हैं किस तरह के इंटरफेस यहां से आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए हम अपने चलते हैं फाइल मैनेजर पर, आप वहां से आपको दिखलाते हैं, ठीक है। आपको डाउनलोड कर लीजिएगा, 23 MB का है, देख सकते हैं। फर्स्ट में हमने डाउनलोड किया है NSP कट ऑफ स्टूडेंट लिस्ट 2021, जिसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरह के इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप यहां से देख सकते हैं कैटेगरी वाइज बात दिया गया है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना लिस्ट ऑफ कट ऑफ मार्क आउट ऑफ 500 CSF फॉर स्कॉलरशिप 2021, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं, यह दिखलाया गया मेल के लिए, ठीक है। यहाँ से ये मेल के लिए यानी छात्र के छात्राओं के, ये फीमेल लड़कियों के लिए, ठीक है। यहाँ से जनरल में साइंस में 376, आर्ट्स में 300 कैंडिडेट किया, कॉमर्स में 321 मेल में दिया गया, ठीक है। साइंस में 365, आर्ट्स जो कि 346 है, कॉमर्स 338 है। यहाँ से देख सकते हैं अपने कैटेगरी वाइज दिया गया है, अब अपने हिसाब से मिला है। जैसे स्क्रॉल करेंगे ऊपर की ओर, यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम दिया होगा फर्स्ट में, यहाँ से रोल नंबर है। यहाँ पे अगर सर्च करना है तो हम कहते हैं कि आप अपना रोल नंबर से ही सर्च करिए, क्योंकि नाम बहुत सारे लोगों का आ जाएगा। यहाँ से बहुत सारे लोगों का नाम दिया गया तो आप अपना रोल नंबर से करिएगा, ठीक है, तो सही पकड़ेगा। रोल नंबर से आप कर लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं स्टूडेंट का नाम, उसमें डेट ऑफ बर्थ भी दिखलाई देगा, फादर्स नेम यहाँ से दिखलाई देगा, जेंडर मेल, कैटेगरी जनरल में आते हैं तो यहाँ से देख लीजिएगा अपना कैटेगरी क्या है, और डिसेबिलिटी एस या नो यानी आप यदि कोई नई विकलांग कैटेगरी में आ जाता है तो यस रहेगा, नहीं है तो नो रहेगा। स्टूडेंट साइंस कॉमर्स में यानी आप किस सब्जेक्ट से हैं तो यहाँ से देख सकते हैं, साइंस से है तो साइंस रहेगा। टोटल मार्क कितना का था, कितना मतलब परीक्षा दिया तो टोटल मार्क कितना था 500, आप मार्क कितना लिए हैं 376, परसेंटेज हुआ आपका 75.2%। इस तरह करके अगर आपका इसमें नाम है तो अब स्कॉलरशिप का लाभ कैसे ले सकते हैं तो वीडियो में बन रही है, ठीक है, बतलाएंगे आप। यहाँ से अपना नाम देख लीजिएगा, यहाँ से सर्च करना है यहाँ से वाले साइट पर, यहाँ से देख सकते हैं आप यहाँ से नाम अपना सर्च कर सकते हैं। जिस तरह रोल नंबर से करिएगा, यहाँ से अपना रोल नंबर जो भी हो यहाँ से डाल लीजिएगा। तो चलिए अब आपको बतलाते हैं इस आगे के अपडेट की। तो फ्रेंड अब बात कर लेते हैं, अगर उस लिस्ट में अगर आपका नाम है तो कैसे आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा, कैसे आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो में बने रहिए अंत तक। और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप जाकर पूछ सकते हैं। चलिए हम आपको बतलाते हैं कि अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आप आगे की तरफ क्या करें। तो फ्रेंड आपको बतला दें कि NSP जो पोर्टल था उसी को बदल कर बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कर दिया गया, ठीक है। डिस्क्रिप्शन उसका लिंक भी हम दे दिया, नहीं तो आप यहाँ से दिखला रहे हैं। तो फ्रेंड इसी के वही बदल कर यानी जो यहाँ से सबसे पहले हमने जो बतलाया इसी को बदल कर यहाँ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप में कर दिया गया, आपको यहाँ से आवेदन कर देना है।
आपको छात्रवृत्ति का पैसा मिल जाएगा। यहीं पर अगर उस लिस्ट में अगर नाम है तो आप यहाँ एनएसपी लिस्ट में अगर नाम है आपका तो इस पर जो उसी को बदल कर पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उस लिस्ट में जिस स्टूडेंट का नाम है उसको कैसे मिलेगा स्कॉलरशिप। तो आपको बता दें एनएसपी स्कॉलरशिप जो था उसी को जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल में जो है कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी कि वही वाला स्कॉलरशिप इस पे भी अप्लाई हो रहा है। तो अगर आपका नाम है तो आप जो है यहाँ पे देख लीजिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लिंक है, यानी कि बिहार पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पोर्टल पे ही आपको अप्लाई करना है, दूसरा पे अभी अप्लाई नहीं करना है। जहाँ तक जो सरकार का अपडेट है कि एनएसपी 2.0 जो है उसको अपडेट कर दिया गया है, जो नया पोर्टल आया है उसमें। तो अगर आपका उस लिस्ट में नाम है तो आप जो है इस पे अप्लाई कीजिए, हो सकता है कि इसमें एक्स्ट्रा स्कॉलरशिप आपको मिले, क्योंकि यहाँ पे नाम लिस्ट में है तो हो सकता है बेनिफिट ज्यादा मिले, जहाँ तक यहाँ पे जो ऑफिशियल अपडेट है उसके अनुसार। क्योंकि दोस्तों एनएसपी पोर्टल पे जो है यहाँ पे अप्लाई अब नहीं करना है जब से नया पोर्टल बना है, तो आप इस लिस्ट में चेक कीजिए, उसके बाद आगे का जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड तो हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट करते रहेंगे। इसके लिए टेलीग्राम